घटी है जिसका झारखंड पुलिस एसोसिएशन कड़े शब्दों में निंदा करती है और उसमें हमारे पुलिस निरीक्षक है नवल किशोर काफ़ी जख्मी हुए हैं। उसके बारे में हम लोग का यही कहना है कि पुलिस दिन रात जनता की सेवा में लगी रहती है और पूरे मन के साथ सेवा करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के एस्कॉर्ट के आगे आगे वो ट्रैफिक एरिया उनका है, अपने आगे आगे एस्कॉर्ट कर रहे थे, कुछ लोग रोड पर बैठे हुए मिले। उनका काम बनता था कि रोड को क्लियर करें और माननीय मुख्यमंत्री जी के एस्कॉर्ट को सुरक्षा के साथ पास कराएं। उतरते ही कुछ लोगों द्वारा उन पर हमला कर दिया गया जो काफ़ी निंदनीय है। ये मान के चला जाए कि ये गुंडा तत्व के द्वारा की गई कार्रवाई है, एक सामान्य व्यक्ति जो है वैसी कार्रवाई नहीं की कर सकते हैं, वैसी उनसे आशा नहीं की जा सकती है। यह सामाजिक तत्वों द्वारा कार्रवाई की गई है और हम इसे प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले भविष्य में उनको एक सबक मिले कि कम से कम जो सुरक्षा देने वाले आदमी आपके साथ है, खासकर माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे हैं, एक जेट सैनिक की सुरक्षा उन्हें प्राप्त है, वैसे में हमारे पुलिसकर्मी उनको पार करा रहे हैं, उन पर हमला क्या कर देते हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे लोग पर पुनः मांग करते हैं कि कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए हम लोग जो ये कार्रवाई जो ये कार्रवाई कर रहे हैं उनको प्योर हम गुंडा मान के चलते हैं या सामाजिक तत्व मान के चल रहे हैं। कौन सी पार्टी है क्या, वो जांच का विषय है। मेरा ये मानना है कि जो भी गुंडा तत्व द्वारा कार्रवाई मेरे पुलिस के ऊपर की गई है या माननीय मुख्यमंत्री के एस्कॉर्ट जो चले इसको बाधित करने का प्रयास किया गया है, उन पर प्रशासन जो है जांच कर कठोर कार्रवाई करे। क्योंकि पुलिस सिपाही चले के इंस्पेक्टर तक टोटल रोड पर ही काम करते हैं और आपके बीच इजी काम कर रहे हैं, आप अचानक उस पर फायर कर दीजिए, गोली मार दीजिए, तो ये घटना उसी टाइप का। वो व्यक्ति गाड़ी से हमारे आगे आ गए थे, गाड़ी से उतरे हैं और गाड़ी से उतर के भीड़ हटाने का प्रयास किए हैं और भीड़ द्वारा अचानक उस पर प्रहार कर दिया जाता है। ये कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है। कठोर कार्रवाई हो ताकि दोबारा उनको ऐसा करने के पहले 50 बार सोची जाए और अपने लोगों से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को डिफेंसिव से जो कार्रवाई आपकी बंद पड़ती है, आपके पास जो कानून में कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है डंडा से लेकर हर चीज़ों का अपनी उपयोग करें, वैसे लोग पर कोई रहम करने की आवश्यकता नहीं है। एसोसिएशन की तरफ से एफआईआर भी किया जाएगा क्या? नहीं, वो तो हमारा वो तो जिनको चोट लगा है रांची पुलिस की FIR भी की है, जांच भी कर रही है, जरूरत पड़ेगा गिरफ्तारी भी कुछ हुई है। अगर हमारी जो कुछ जरूरत, चूंकि हम हैं हम वहाँ पर, अगर हमारी भी जरूरत पड़ेगी तो हम जाके वहाँ बयान देंगे। क्यों नहीं देंगे, हम लोग सब पांचों थे, पांचों पदाधिकारी हम लोग वहाँ पर चतुर्थी गवाह हैं। उस घटना को हम लोग देखे हैं, हम लोग पीछे गाड़ी में थे, हम लोग भी मुख्यालय से आ रहे थे।